Hi guys and welcome back to my YouTube channel Attractive Economics Classes. ठीक, आज की जो हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 14 एंड इन वीडियो नंबर 14 वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, द थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वाज आवर एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है ये हमने वीडियो नंबर 13 में ऑलरेडी समझा दिया. जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो वापस वीडियो नंबर 13 में जाके एक्सपेंडिचर मेथड सही से पढ़ ले. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो नंबर 13 का जो लिंक है वो मैंने दे के रखा है, ठीक है, तो वहां से भी आप डायरेक्टली जाकर वीडियो नंबर 13 देख सकते हैं. अब आते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड में. एक्सपेंडिचर मेथड में जो अपना एग्रीगेट था, एग्रीगेट कौन सा था, वो जीडीपी एट एमपी, दैट वाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक, अब उसके कंपोनेंट्स क्या कहते हैं, नंबर वन वाज पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वाज जीएफसी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. थर्ड नंबर वाज जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. एंड द फोर्थ वन वाज नेट एक्सपोर्ट. ठीक, अब जो ये हमारा जीडीसीएफ है, जीडीसीएफ के दो कंपोनेंट हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक. एंड लास्ट वाज नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या था, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे. अपने पूछ रहा है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी. यहां मैंने शॉर्ट लिख दिया क्योंकि स्पेस ज्यादा है नहीं. ठीक, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी. नंबर वन इज पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200, जीएफसी 200, जीएफसीएफ पार्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 300, चेंज इन स्टॉक 400, इंपोर्ट्स 500 एंड एक्सपोर्ट 600. क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी. जीडीपी एट एमपी हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया. ठीक, अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारा. सबसे पहले क्या आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पी एफ सी ई, ये देख रखा है हम लोग का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन क्या है हमारा, जीएफसी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी प्लस जीएफसी. थर्ड वन क्या है, जीडीसीएफ. जीडीसीएफ मींस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका कंपोनेंट देख रखा है जीएफसीएफ. यहां पे लिख लिया हमने जीएफसीएफ. अब जीएफसीएफ के साथ में क्या रहेगा, चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक, अब आखिर में क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट. क्वेश्चन में देख लो नेट एक्सपोर्ट है नहीं है, क्या दिया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. तो यहां पर लग जाएगा प्लस नेट एक्सपोर्ट. ठीक, पीएफसी कितना अमाउंट 1200 प्लस जीएफसी 200 प्लस जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 300 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है 400 प्लस नेट एक्सपोर्ट. फॉर्मूला इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट विल बी 600 माइनस 500. 1200 प्लस 200 1400, 1400 प्लस 300 1700, 1700 प्लस 400 2100. ठीक है, प्लस 600 माइनस 500 इट विल बी 100. तो कितना आ गया जीडीपी एमपी, रुपीज 2200. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन एंड आई होप कि सबको क्वेश्चन नंबर वन समझ में आ गया है. नाउ लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. देखते हैं इसे क्या क्या पर्टिकुलर है. नंबर वन इज पीएफसीई, पीएफसी मींस 800. नेक्स्ट इज एनडीसीएफ. अब देखो एनडीसीएफ क्या होता है, जैसे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वैसे ही हमारा होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक, दोनों के डेफिनेशन में नहीं जाना, कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. अगर क्वेश्चन में जीडीसीएफ दे के रखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे के रखा है, देन वी विल कैलकुलेट
जीडीपी या टेम्पी, ये ठीक है। बट इफ इन द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ जीडीसीएफ इट इज गिवन एनडीसीएफ, दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है उसकी जगह पे एनडीसीएफ दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेके रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारा कैलकुलेट होगा वो जीडीपी एमपी नहीं होगा बल्कि एनडीपी एट एमपी होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो क्या कैलकुलेट होगा, एनडीपी एट एमपी, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है देन इट विल बी जीडीपी एट एमपी। थर्ड वन इज चेंज इन स्टॉक 30, NFIA -20, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज NIT 120, GFC गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450, नेट एक्सपोर्ट -30, डिप्रिसिएशन 50। अब देखो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन हमने क्या कैलकुलेट किया था, जीडीपी एंड एमपी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट इन दिस क्वेश्चन एनडीसीएफ इज गिवन, तो जब एनडीसीएफ दिया हुआ है तो क्या कैलकुलेट होगा, कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट होगा, एनडीपी एट एमपी, बाकी पूरे कंपोनेंट्स वही रहेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट क्या आता है हमारा फॉर्मूले पे जाओ, जीएफसी दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर क्या आता है जीडीसीएफ, बट क्वेश्चन में क्या देख रखा है एनडीसीएफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और आखिर में क्या आएगा नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब ध्यान दो पीएफसी कितना लेके रखा गया है 800, देन जीएफसी 450 प्लस एनडीसीएफ दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150 एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कहां पे लेके रखा गया, ये -30, 800 प्लस 450 प्लस 150 600 -30 570, सो एनडीसीएफ विल बी रुपीज 1370, ये आ गया हमारा एनडीपी एटएमपी। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है जीडीपी एटएफसी, अब निकाल लो जीडीपी एटएफसी इक्विवेलेंट टू एनडीपी एटएमपी, नेक्स्ट ग्रॉस शफलिंग नंबर 1 प्लस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक नो चेंज, पीएनपी फिक्स नो चेंज, देन मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट शफलिंग नंबर 3 दैट विल बी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनडीपी एटएमपी कितना दिया है 1370 प्लस डिप्रिसिएशन कितना देके रखा है 50 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना देके रखा गया 120, सो 1370 50 माइनस 120 इट विल बी माइनस 70, यू द वैल्यू ऑफ जीडीपी एटएफसी विल बी रुपीस 1300, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वीडियो नंबर 15, वीडियो नेशनल इनकम लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक और एक या दो स्मॉल टॉपिक्स बाकी हुए हैं जैसे हो गया अपना रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ठीक, बस यही 2 से 3 टॉपिक नेशनल इनकम के बाकी हैं, तो एक्सपेंडिचर सबको समझ में आ गया, पर जिनको नहीं समझ में आया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, सबको लिंक वहीं से मिल जाएगा। वीडियो क्लिप नंबर 15 में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट करके नेशनल इनकम को क्लोज कर देंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आई होप कि ये वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको